जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ अभी फिलहाल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से NECS MT स्टेशन और यह है प्लेटफॉर्म नंबर 70। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये 110301 उद्यान एक्सप्रेस, ये चलती है सुबह 8:10 पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से, और इसी से आज मैं जर्नी करने वाला हूँ सोलापुर रेलवे स्टेशन तक। लेकिन ये ट्रेन चलती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से बेंगलुरु सिटी, सो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है गाइस। तो चलते हैं, अभी मेरा कोच है B1, क्योंकि आज मैं AC 3 टायर से ट्रैवल करने वाला हूँ और ये फर्स्ट जर्नी होने वाली है मेरी जिससे मैं सफ़र करूँगा किसी LHB रेक के साथ। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 17। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये WDP 4D पुणे लोको शेड का बहुत ही शानदार EMD लोकोमोटिव है, और ये कैरी करेगा हमारी ट्रेन को, उद्यान एक्सप्रेस को। तो बहुत ही शानदार जर्नी होने वाली है गाइस, और ये ट्रेन को रिसेंटली LHB कोचेस दिए गए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तो इसके वजह से इसका एक्सेलरेशन काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ और ये जर्नी शुरू करते हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से। सो गाइस, अभी बात करते हैं इस ट्रेन के हिस्ट्री के बारे में। ये ट्रेन शुरू हुई थी 1 जुलाई 1984 को, और अगर हम इस ट्रेन के नाम के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, यानी कि इसको नाम कैसे पड़ा उद्यान एक्सप्रेस, तो आप सभी जानते होंगे कि बेंगलोर सिटी को बहुत सारे कई निकनेम्स है, जिसमें से एक उसको निकनेम है कि गार्डन सिटी भी उसको कहा जाता है, क्योंकि पब्लिक गार्डन्स बहुत सारे अवेलेबल है बेंगलोर सिटी में। इसके कारण इसको, इस ट्रेन को नाम दिया गया था उद्यान एक्सप्रेस, क्योंकि उद्यान एक संस्कृत वर्ड है गार्डन का। सो गाइज, अभी जान लेते हैं मेरा कोच यानी AC 3 टायर कोच का सेटिंग अरेंजमेंट कैसा है। तो चलते हैं अभी बोगी के अंदर और देखते हैं। सो गाइज, अभी देख सकते हैं मैं आ गया हूँ मेरे कोच के अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है। इस साइड 3 लोअर, मिडल और अपर, और सेम इस साइड भी लोअर, मिडल और अपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने मिरर, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट, इसके अलावा यहाँ पे रीडिंग लाइट भी है, आप देख सकते हैं वर्किंग कर रहे हैं। और अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट हर बर्थ के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये होल्डर भी, बैग होल्डर भी मिलेगा, और यहाँ पे कर्टन्स भी है, और यहाँ पे खाना खाने के लिए आपको ट्रे भी मिलेगा। सो कुल मिलाकर यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा है दोस्तों, क्योंकि LHB ट्रेन है तो अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज से इसको अपडेट किया गया है। सो आगे आप यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँगा, ये है साइड लोअर बर्थ जहाँ पे मेरा सीट है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं साइड अपर बर्थ। सो अभी सिर्फ 5 मिनट रह गए, 5 मिनट के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर होगी। सो कुछ ही समय में अराइवल होगा दादर रेलवे स्टेशन पे, तो देखते हैं शानदार अराइवल दादर रेलवे स्टेशन पर। सो गाइस, अभी हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 70 से उद्यान एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है, और ट्रेन शुरू होते ही हमारे सेंट्रल लाइन की लोकल से एक पैरेलल रेस देख सकते हैं आप। लेकिन सेंट्रल रेलवे की जो लोकल है उसके पास 3-3 ट्रैक्शन मोटर है, इसके वजह से उसका एक्सेलरेशन काफ़ी कमाल का है, और हमारे उद्यान एक्सप्रेस के LHB कोचेस 22 LHB कोचेस है, सो और एक ही लोकोमोटिव है, सो फ़र्क तो पड़ता ही है गाइस। सो गाइस, कुछ ही समय में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है दादर रेलवे स्टेशन, तो देखते हैं शानदार अराइवल दादर रेलवे स्टेशन पर। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं दादर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है DDR, और इस स्टेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे रोज़ाना 5 लाख से ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। सो दोस्तों, अभी बात करते हैं हम इस ट्रेन के कोचेस और इसके प्राइजेस के बारे में। टोटल इसमें 22 कोचेस है दोस्तों, जिसमें से 10 स्लीपर कोचेस है जिसकी प्राइस है 530 रुपये, उसके अलावा इसमें 3 थर्ड AC के कोच है जिसकी प्राइस है 1425 रुपये, इसके अलावा इसमें 3 और कोचेस है जो है सेकेंड AC जिसकी प्राइस है 2050 रुपये, और इसके अलावा इसमें 3 जनरल कोचेस है, और उसके अलावा इसमें 2 SLR कोचेस है दोस्तों। तो कुल मिलाकर 3 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे दादर रेलवे स्टेशन पर। सो अभी यहाँ से डिपार्चर लेंगे और सीधा अभी मिलेंगे हम कल्याण रेलवे स्टेशन पर। तो चलते हैं अभी ट्रेन के अंदर। सो
सो गाइस अभी हमने दादर स्टेशन से डिपार्चर ले लिया है और ट्रेन ने अभी एस्केलेट करना चालू कर दिया है क्योंकि EMD लोकोमोटिव है तो उसका पावर तो बहुत ही शानदार रहेगा ही। सो अभी टाइम हो चुका है गाइस कि मैं आपको इस ट्रेन के टॉयलेट का रिव्यू दे दूँ। सो चलता हूँ मैं अभी आगे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्टबिन, इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्यूशर पाउडर टाइप, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर टैप पानी आ रहा है और नीचे अगेन डस्टबिन। सो अभी चलते हैं अगेन टॉयलेट के अंदर और देखते हैं टॉयलेट कैसा है। सो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ इस ट्रेन के टॉयलेट में। सामने आप देख सकते हैं बड़ा सा मिरर, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं सोप और यहाँ पे और एक वाटर टैप पानी आ रहा है और ये भी बेसिन नीट एंड क्लीन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय टॉयलेट है, ये भी बहुत ही क्लीन है और इसके अलावा यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट दिया गया है ट्रिमर के लिए। सो कुल मिलाकर वॉशरूम बहुत ही नीट एंड क्लीन है और अभी चलते हैं आगे। मैं आपसे अभी सीधा मिलूंगा कल्याण रेलवे स्टेशन पर। सो आपसे मुलाकात होगी अभी कल्याण पे। कल्याण स्टेशन, स्टेशन कोड है KYN और स्टेशन की बात करें कि तो रोजाना 3 लाख से ज़्यादा पैसेंजर इस स्टेशन से ट्रैवल करते हैं और अगर हम बात करते हैं इस स्टेशन की तो जंक्शन है तो यहाँ से चलती है दादर सोलापुर मेन लाइन और इसके अलावा यहाँ से चलती है मुंबई हावड़ा मेन लाइन। सो गाइज अभी इसके बाद स्टेशन आने वाला है करजत, लेकिन वो स्टेशन वाला है हमारा टेक्निकल हॉल्ट। सो क्यों टेक्निकल हॉल्ट होने वाला है तो मैं आपको बताऊँगा सीधा करजत पे। सो यहाँ पे है अभी 2 मिनट का टाइम, सो 2 मिनट के बाद सीधा अभी यहाँ से ट्रेन डिपार्चर होगी। सो चलते हैं अभी अपने ट्रेन के अंदर। तो गाइस सामने वाला जो रास्ता है वो सीधा नासिक की ओर, नासिक होते हुए भुसावल जाता है और ये रास्ते से अभी हम सीधा जा रहे हैं पुणे की तरफ। तो दोस्तों कुछ ही समय में अभी हम पहुंचने वाले हैं करजत रेलवे स्टेशन और सामने आप देख सकते हैं ये WAG-7 बैंकर लोकोमोटिव्स, 3 बैंकर लोकोमोटिव है और ये हमारी ट्रेन से अटैच हो गए करजत रेलवे स्टेशन। अभी मैं पहुंच चुका हूँ करजत स्टेशन, स्टेशन कोड है KGT और यहाँ पे उतरने का एक ही रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे इस ट्रेन का कमर्शियल हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है क्योंकि आगे है बोरघाट और आगे है बोरघाट तो घाट में चढ़ने के लिए और पावर चाहिए और पुश चाहिए तो इसीलिए इस ट्रेन को लगेंगे 3 बैंकर लोकोमोटिव WAG-7 जो पीछे की तरफ लगेंगे। फिलहाल मेरा कोच थोड़ा आगे है तो इसीलिए मैं पीछे आपको तो दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन अभी यहाँ पे 2 से 3 मिनट का ट्रेन हॉल्ट लेगी और फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे करजत से आगे लोनावला की तरफ और बीच में बोरघाट पड़ेगा। बहुत ही शानदार सेक्शन है दोस्तों बोरघाट, अगर कभी भी आप आते हो करजत से लोनावला के बीच में तो ये बोरघाट आप कैप्चर करना ना भूलिएगा। तो अभी चलते हैं ट्रेन के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ शानदार नज़ारा बोरघाट का। स्टेशन और खंडाला
सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं लोनावला स्टेशन, स्टेशन कोड है LNL और स्टेशन की बात करेंगे तो ये आता है पुणे डिवीजन के अंदर। और अभी जो बैंकर लोकोमोटिव इस ट्रेन को अटैच किए गए थे पीछे, उसको अभी डिटैच किया जाएगा क्योंकि अभी ये बोरघाट यहाँ पे खत्म होता है। तो इसके बाद स्टेशन आएगा पुणे रेलवे स्टेशन, सो मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्टली पुणे रेलवे स्टेशन में। तो चलते हैं अभी ट्रेन के अंदर। कुछ ही समय में अभी हमारी ट्रेन पुणे रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है और मैं जर्नी करने वाला था सोलापुर रेलवे स्टेशन तक, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से दोस्तों मैं मेरी जर्नी पुणे स्टेशन पे ही एंड करने वाला हूँ। सो अभी 5 मिनट के बाद हमारा अराइवल होगा पुणे रेलवे स्टेशन पे, सो मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्टली पुणे रेलवे स्टेशन पर। सो गाइस 192 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद मैं अभी आ पहुंचा हूँ पुणे रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है PUNE और ये स्टेशन जंक्शन है, तो यहाँ से चलती है मुंबई चेन्नई मेन लाइन और पुणे बेंगलुरु मेन लाइन। सो गाइस अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जानने के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID punere.backpacker। सो मैं मिलता हूँ ऐसे ही नए ट्रेन जर्नी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।